अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ मिक्स फ्रूट जैम। अभी ये बॉईल करना है, इनके एप्पल के सीड्स निकाल ली हैं मैंने, पियर की बाकी स्किन रिमूव कर दी, एप्पल की भी पियर की भी, बाकी ऑरेंजेस वगैरह को अभी सीड्स नहीं निकाले हैं, वो जब हम छानेंगे तब निकालेंगे। और अभी चीकू इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने चीकू और बाकी फ्रूट बॉईल कर लिए हैं, बाकी ऑरेंजेस मैंने ये सीव है उसमें रख कर और इनका पल्प सिर्फ निकाल रही हूँ छलनी में से, ताकि ये जो मैश करने का होता है ना, चटनी वगैरह बनाते हैं इसे इमाम दस्ते के साथ होता है ये, उससे मैं कर लूँ तो उससे थोड़ा इजीली हो रहा है। तो गाइस देखें, आप सिर्फ ये इसके छिलके जो होते हैं रह गए हैं, पल्प सारा निकल गया है इसके अंदर से। अब इसको हम हटा देंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे। ये देखें, सारा पल्प निकल गया है ऑरेंजेस का और ये सिर्फ रह गए इसके ड्राई पीसेस। और इसमें हम अब डालेंगे चीनी। ये हमने 1 कप चीनी इसमें ऐड कर दी, कम लगे तो थोड़ी और ऐड कर दो, कि अभी जैम जब हम इसका बनाएंगे तब हमें और ऐड करनी होगी। फिलहाल इसमें चीनी ऐड करके ब्लेंड करेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको अच्छे से प्यूरे बना लेंगे। ये देखिए गाइस, इसकी स्मूथ प्यूरी बन गई है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो अब हमने कुक करना है, तो अब हम इसको पैन में निकाल लेंगे और इसको कुक करने रखेंगे। अब इस पॉइंट पर आपने चीनी चेक करनी है और अगर कम है तो अभी ऐड कर सकते हैं। तो हम अब इसको उबाल आ गए तेज आंच पर, हमने इसको पहले उबाल लेकर आए, फिर अब इसको स्लो आंच पर हम पकने देंगे। आहिस्ते आहिस्ते ये थिक होता जाएगा, अभी वाटरी हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते ये थिक होगा। अभी इसमें हम फूड कलरिंग ऐड करेंगे रेड। तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाना है चम्मच और इसको कवर करके आप हल्की आंच पर पकाएं। अभी इसको हमने जैम की कंसिस्टेंसी तक थिक करना है। गाइस ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। अब हमें स्टोव बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होकर ही बिल्कुल जैम वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये देखें ब्राइटनेस तेज करके दिखाते हैं। तो जी गाइस, हमारा जैम रेडी है बनकर। मैंने इसको ठंडा होने दिया, फिर इसको जार में कर लिया कन्वर्ट। और आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल जैम वाली है। मैं आपको ब्रेड पे लगा कर दिखाती हूँ। तो ये हमारा जैम बनके रेडी है, मैंने जार में कर लिया है इसको, और ब्रेड पर भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैम वाली है। शुगर मैंने अपने हिसाब से डाली थी, आप लोग भी एज़ पर टेस्ट ऐड कर सकते हैं शुगर। कोई कम चीनी खाता है, कोई अपने हिसाब से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।